अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मंसूर आज़म है और मैं डाओ मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर MBBS का स्टूडेंट हूँ। जो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ ह्यूमन हार्ट। अच्छा, इसका मैं पहले ओवरव्यू देता हूँ, ठीक है, फिर अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। कि अगर मैं ह्यूमन हार्ट की बात करूँ ना, तो एक तरह कोनिकल शेप होता है। इसकी शेप ऐसी है जैसे कोन हो। देखो, हमें यहाँ से नज़र आ रहा है कि ये थोड़ा ये पॉइंटेड है, तो ये चीज़ शो करता है कि थोड़ी कोनिकल है। तो ह्यूमन हार्ट हम नॉर्मली बनाते हैं ना, दिल बनाया आपने, इस तरह बना लिया, वो एक तरह से रफली होता है। बट इसमें देखो, इसमें भी थोड़ा कोन लाइक स्ट्रक्चर आ रहा होता है नीचे। तो ह्यूमन हार्ट कैसा है, कोनिकल है बेसिकली। और मैं इसकी बात करूँ कि यार होता कहाँ पर है, तो मैं इसके लिए आपको कुछ डायग्राम्स वगैरह दिखाता हूँ। देखो, ये एक हमारी एक डायग्राम है, पूरी चेस्ट कैविटी है, यहाँ से हमने स्किन को रिमूव कर दिया है। तो आपका दिल जो होता है ना, देखो ये नॉर्मली आपकी राइट साइड आपको लगती है, बट ये लेफ्ट साइड है। जो आपकी राइट साइड है ना, वो लेफ्ट साइड है, और जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड है। तो ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। आप अपने दिल की पोजीशन देखो, ये पूरा आपका दिल है। दिल जो है आपका, ये थोड़ा लेफ्ट साइड पे मौजूद है, यानी कि बिल्कुल मिडल में नहीं है, बल्कि इट इज़ मोर ऑन द लेफ्ट साइड। ये बात आपने याद रखनी है। और बीच में ना, यहाँ पर एक बोन होती है जिसको आप स्टर्नम की बोन कहते हो, ठीक है। ये बीच में आपकी ये एक यहाँ पर एक बोन होती है, ठीक है, जिसको आप स्टर्नम कहते हो। और वो स्टर्नम की बोन से क्या होता है कि आपका जो हार्ट होता है ना, उस स्टर्नम की बोन के नीचे होता है, पीछे होता है, उस स्टर्नम की बोन के पीछे आपका हार्ट होता है। और इसकी पोजीशन की बात करूँ कि इट इज़ जो हार्ट का 2/3 पोजीशन है वो लेफ्ट साइड पे होता है, 1/3 जो होता है वो राइट पे होता है। और बात करें हार्ट की, तो यार हार्ट जो है ना, एक कैविटी के अंदर मौजूद है, एक स्पेस के अंदर मौजूद है। वो स्पेस जिसके अंदर हार्ट मौजूद है, उसको हम मीडिया स्टेनम कहते हैं। ये जो पूरा आपको बॉर्डर नज़र आ रहा है ना, ये मीडिया स्टेनम का बॉर्डर है। तो सवाल पैदा ये होता है, यार मीडिया स्टेनम क्या है? यार मीडिया स्टेनम वो स्पेस है जो दो लंग्स, ये दो लंग्स है ना, इन दो लंग्स के बीच में बन जाती है। तो दो लंग्स के बीच में जो स्पेस है, आप उसको मीडिया स्टेनम कहते हो, ठीक है। और एक तरह की बाउंड्री बन जाती है। उस मीडिया स्टेनम में आपका ये हार्ट भी होता है, एक स्टर्नम बोन भी होती है, और पीछे एसोफेगस जो होती है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम की ट्यूब, वो भी पाई जाती है, ठीक है। तो मीडिया स्टेनम में आपका हार्ट होता है, ये बात आपने याद रखनी है। और एक तरह की कैविटी है जो दो लंग्स के बीच में बनाई जाती है। इसकी बात कर ली। अच्छा, अब हार्ट की बात करें, तो यार हार्ट नॉर्मली जो है, हमें लगता है कि यार एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, जो कॉनिकल शेप स्ट्रक्चर है। और मैंने इसके बारे में आपको बताया कि मोर ऑन द लेफ्ट साइड देन ऑन द राइट साइड, ठीक है, और स्टर्नम के पीछे होता है आपका। हम हार्ट की बात करें, मैं इसके थोड़े स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, लेकिन स्ट्रक्चर से पहले मैं हार्ट की लेयर्स की बात करता हूँ। यार हार्ट की ना बेसिकली तीन लेयर्स होती हैं, लेकिन तीन लेयर्स तो हार्ट की वॉल की होती हैं। जो फॉर एग्जांपल ये दिल है, मैंने दिल की दीवार काटी और डायरेक्ट उसके अंदर घुस गया। बट मैं उसकी दीवार को जब मैंने काटा, जो हिस्सा उसका, जिस तरह आप एक लाइक तरबूज वगैरह वाटरमेलन काट के लाते हैं ना, आपके जो भी खरीदने जाता हो तो काटते हैं, तो काट के एक स्लाइस निकल जाता है। वो जो स्लाइस निकल जाता है ना, मैंने उसको देखा, यार ये जो हार्ट की वॉल है, दरअसल क्या पार्ट थे उसके, किस तरह मिलके बनी हुई थी, ठीक है। तो हमने उस स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश की। जब हमने उसको देखा, तो हमने देखा कि एक सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात कि हार्ट की जो वॉल है, मैं हार्ट की वॉल की बात कर रहा हूँ, बट हार्ट की वॉल के बाहर भी एक लेयर होती है, क्या, एक सैक होता है, एक कवरिंग होती है, एक कैप्सूल होता है, जिसको आप पेरिकार्डियम कहते हो। क्या कहते हो? पेरिकार्डियम। हार्ट के बाहर एक सैक होता है, जिसको आप क्या कहते हो? पेरिकार्डियम कहते हो। वो हार्ट के बाहर जो सैक पेरिकार्डियम है, उसकी दो लेयर्स होती हैं। जो हार्ट के बाहर एक क्लोज सैक है, हार्ट की वॉल नहीं बना रहा, पेरिकार्डियम इज़ नॉट मेकिंग अ वॉल ऑफ द हार्ट, लेकिन उसके उस वॉल के बाहर ज़रूर मौजूद है। तो हार्ट की वॉल ना सिर्फ यहाँ तक है। देखो, ये जो आपका पोर्शन ना रेड वाला, यहाँ से हार्ट की वॉल स्टार्ट हो रही है। ये जो आपको वाइट वाइट पोर्शन नज़र आ रहा है ना, ये दरअसल आपकी पेरिकार्डियम है। जो हार्ट की पेरिकार्डियम है, दरअसल वो एक तरह का सैक है जो मेम्ब्रेन से मिलके बना है। मैं इसकी बात करूँ तो ये जो सैक है ना, इसके दो पार्ट हैं, एक है फाइब्रस पार्ट और एक है सीरस पार्ट। सीरस कहते हैं थोड़ा मेम्ब्रेनस पार्ट, और एक है फाइब्रस पार्ट, यानी कि जो चीज़ फाइब्रस होती है ना, कि वो थोड़ी इनइलास्टिक होती है, आप उसको ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकते। जो हार्ट की जो एक सैक है, जो आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसके दो पार्ट हैं, एक फाइब्रस पार्ट है और एक है इलास्टिक पार्ट, जिसको आप सीरस पार्ट कहते हो। जो फाइब्रस पार्ट है, उसको फाइब्रस पेरिकार्डियम कहते हो। जो हार्ट का जो हार्ट की ये आउटर मेम्ब्रेन है, आप उसको नॉर्मली पेरिकार्डियम कहते हो। पेरिकार्डियम के दो पार्ट हैं, एक फाइब्रस पार्ट है, जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है, ये आउटर लेयर है, जो वाइट की जो सबसे बाहर वाली लेयर है, ये आउटर लेयर है फाइब्रस पेरिकार्डियम की। तो आउटर लेयर इज फाइब्रस पेरिकार्डियम, ठीक है। उस फाइब्रस पेरिकार्डियम के नीचे जो लेयर मौजूद है, उसको आप कहते हो सीरस मेम्ब्रेन। फाइब्रस पेरिकार्डियम जो इनइलास्टिक होती है और टफ होती है, उसके नीचे मौजूद है सीरस पेरिकार्डियम, नहीं, उसके नीचे मौजूद है आपका सीरस पेरिकार्डियम। जो सीरस पेरिकार्डियम है, उसको आपने दो में डिवाइड कर दिया। क्या था आपके पास? एक पेरिकार्डियम था, एक पेरिकार्डियम को आपने दो में डिवाइड किया, फाइब्रस पेरिकार्डियम और सीरस पेरिकार्डियम। फिर जो आपका सीरस पेरिकार्डियम था, जो थोड़ा इलास्टिक होता है, उसको आपने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक है इसकी पराइटल लेयर,
एक है सीरस पेरिकार्डियम की पराइटल लेयर जो आपकी फाइब्रस लेयर के साथ चिपकी हुई है। क्या? जो पराइटल लेयर है सीरस पेरिकार्डियम की वो आपकी फाइब्रस लेयर के साथ चिपकी हुई है, ठीक है। फिर थोड़ा गैप आ जाता है, एक कैविटी जैसा गैप आ जाता है। उस गैप के बाद एक और लेयर है जिसको आप विसरल पेरिकार्डियम कहते हो, ठीक है। पराइटल लेयर है सीरस पेरिकार्डियम की जो आपकी फाइब्रस पेरिकार्डियम के साथ चिपकी हुई है। एक और लेयर है जिसको आप सीरस पेरिकार्डियम कहते हो। सीरस पेरिकार्डियम जो ये रेड वाली है, इस सीरस पेरिकार्डियम का एक और नाम है जो हार्ट की वॉल बनाता है बेसिकली, उसको आप एपिकार्डियम कहते हो। तो पेपर में सीरस पेरिकार्डियम पेपर में अगर विसरल पेरिकार्डियम आ जाए वो भी सीरस पेरिकार्डियम की अंदर वाली मैम लेयर है, सबसे इनर लेयर जो है ना सीरस पेरिकार्डियम की, जो दो लेयर्स हैं पराइटल जो थी फाइब्रस के साथ चिपकी हुई है, और जो इनर वाली है उसका नाम है विसरल पेरिकार्डियम। तो विसरल पेरिकार्डियम में बेसिकली वो आपकी एपिकार्डियम होती है, विसरल पेरिकार्डियम आपकी एपिकार्डियम होती है। और एपिकार्डियम जो होती है ये आउटर मोस्ट लेयर होती है आपके हार्ट की। क्या? एपिकार्डियम जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है आपके हार्ट की। एपिकार्डियम के नीचे एक मस्कुलर लेयर होती है जिसको आप मायोकार्डियम कहते हो। उस मायोकार्डियम के नीचे एक और लेयर होती है जिसको आप एंडोकार्डियम कहते हो। और जो एंडोकार्डियम होता है ना, अगर फॉर एग्जांपल ये अंदर दीवार है या अंदर एक चैम्बर है, कमरा है, उस कमरे को जैसे ही आप दीवारों में देखोगे तो जो आपको लेयर नज़र आएगी वो होगी एंडोकार्डियम। और एंडोकार्डियम बहुत स्मूथ होती है, ठीक है। हमने इसकी बात कर ली। अगर मैं फंक्शन करूँ कि यार ये एपिकार्डियम जो है ये आउटर मोस्ट लेयर है, एपिकार्डियम का दूसरा नाम क्या है? विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम। जो आउटर मोस्ट लेयर है हार्ट की, कौन? आपकी विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम, या इसका दूसरा नाम क्या है? एपिकार्डियम। और ये क्या करती है? हार्ट को, पूरे हार्ट को सराउंड करती है बाहर, और ये स्मूथ होती है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो डिफरेंट वेसल्स निकल रही होती है ना आपके दिल से, ये जो रेड वाली है इसको आप आयोटा कहते हो, ठीक है। और ये सिस्टमिक आयोटा कहते हो। ये जो है ये पल्मोनरी आर्टरी है या पल्मोनरी आयोटा कहते हो। ये जो ये वाली है ये पल्मोनरी आयोटा है, ये वाली जो है ये है आपका मेन आयोटा, दैट इज़ द सिस्टमिक आयोटा। सिस्टमिक आयोटा से डिफरेंट ब्रांचेस निकलेंगी जो पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करेंगी। ये पल्मोनरी आयोटा जो है ब्लड लेके जाएगा आपके लंग में, हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। यार ये एपिकार्डियम जो है इसके फंक्शन क्या है? एपिकार्डियम हार्ट को प्रोटेक्ट करता है और ये प्रोवाइड सिग्नल फॉर एम्ब्रियोनिक हार्ट फॉर्मेशन एंड मैचुरेशन, यानी कि हार्ट की मैचुरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ सीक्रेट फैक्टर्स फॉर कार्डियोमायोसाइट प्रोलिफरेशन एंड सर्वाइवर। एपिकार्डियम से कुछ सिग्नल्स निकलते हैं, कुछ फैक्टर्स निकलते हैं, जो कुछ प्रोटीन्स निकलते हैं जो मायोकार्डियम है ना इसके नीचे मौजूद है, मसल क्लियर, उसकी मसल्स क्लियर को मेंटेन करते हैं। और ये हेल्प करता है हार्ट की इंजरी की रिस्पॉन्स के दरमियान, ताकि हार्ट की वॉल अगर इंजर्ड हो जाए तो उसमें हम थोड़ा बहुत चेंजिंग ला सकें, ठीक है। तो ये थी हार्ट के तीन लेयर्स। चलें अब हम एक काम करते हैं, इन हार्ट के तीन लेयर्स को यहाँ से रीड करते हैं। ह्यूमन हार्ट है कह रहे हैं कॉनिकल होता है और इट इज़ इंक्लोज बाय पेरिकार्डियम। और पेरिकार्डियम क्या है? एक तरह का सैक है, एक मेम्ब्रेनस सैक है जो क्लोज कर रहा है पूरे हार्ट को। तो हार्ट इज़ क्लोज बाय पेरिकार्डियम और इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द लंग्स, ये लंग्स के बीच में मौजूद है। विद 1/3 जो है इसका राइट पे होता है और 2/3 जो होता है वो लेफ्ट पे होता है ऑफ द मिड लाइन। मिड लाइन में कौन सी बोन है? बेसिकली स्टर्नम है। तो स्टर्नम के पीछे, बिहाइंड द स्टर्नम, 1/3 जो होता है इसका, 1/3 इज़ ऑन द राइट साइड एंड 2/3 इज़ ऑन द लेफ्ट साइड। ये आपने MCQs के लिए याद रखना है, ठीक है। और इट इज़ बिहाइंड द स्टर्नम। स्टर्नम कौन सी होती है? वो आपकी मिडिल वाली बोन होती है, ठीक है। जो मिडिल वाली बोन होती है ना चेस्ट में, ये बिल्कुल सीधी आई होती है और उसके साइड पे रिब्स निकल रही होती हैं, इसको आप स्टर्नम कहते हो। हार्ट की वॉल की लेयर्स की बात करें तो हार्ट की वॉल की बात कर रहा हूँ, वो जो पेरिकार्डियम था ना वो पूरे हार्ट को इनक्लोज कर रहा था, मैं अब हार्ट की वॉल की लेयर की बात कर रहा हूँ। हार्ट की वॉल जो है ना उसके तीन लेयर्स हैं, ठीक है, जो पेरिकार्डियम के अंदर मौजूद हैं। पेरिकार्डियम तो आउटर मोस्ट सैक है ना, उसके अंदर तीन लेयर्स मौजूद हैं, ठीक है। और पेरिकार्डियम कह रहे हैं थिक कवरिंग है जो हार्ट को क्लोज करती है। एंड द रूट्स ऑफ मेजर हार्ट वेसल्स कंसिस्टिंग ऑफ एन आउटर फाइब्रस लेयर, फाइब्रस पेरिकार्डियम। कह रहे हैं पेरिकार्डियम जो है ये थिक कवरिंग है विच इनक्लोजेस द हार्ट, जो हार्ट को भी इनक्लोज करती है, और ये हार्ट के साथ साथ जो आपकी मेजर हार्ट की वेसल्स हैं ना, आयोटा वगैरह, ये उनकी रूट जिस तरह वो यहाँ से निकल रही होती हैं तो उनको भी यहाँ से इसने कवर किया होता है, उनको भी इसने यहाँ से कवर किया होता है। किसने? आपकी पेरिकार्डियम ने। सो पेरिकार्डियम इज़ अ थिक कवरिंग दैट इंक्लोजेज द हार्ट एंड द रूट्स ऑफ मेजर हार्ट वेसल्स। हार्ट की मेजर वेसल जो है ना ये वाली है, एक मेजर वेसल जिसको आप आर्च ऑफ, ये तो खैर ये आर्च है आयोटा की, ठीक है। ये जो टेढ़ापन आ रहा है इसको आप आर्च ऑफ आयोटा कहते हो। बेसिकली ये है आपका आयोटा, असेंडिंग आयोटा भी कह सकते हो। ये वाला पार्ट असेंडिंग आयोटा है, ठीक है, यहाँ तक, यहाँ से आर्च ऑफ आयोटा आ जाता है और इसको आप वैसे सिस्टमिक आयोटा कहते हो पूरे को बेसिकली। और ये जो नीचे पार्ट जा रहा है, नीचे डिसेंड कर रहा है, तो इसको डिसेंडिंग आयोटा कहेंगे। तो आपके आयोटा के तीन पार्ट हैं, असेंडिंग आयोटा, आर्च ऑफ आयोटा एंड डिसेंडिंग आयोटा। ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है। सो अगर हम बात करें
पेरिकार्डियम की तो ये थिक कवरिंग है, इसकी बात हो गई, और ये हार्ट की जो मेजर वेसल्स हैं उनको क्लोज कर रही होती है यहाँ तक, ठीक है। जो इसकी आउटर पार्ट है वो फाइब्रस पेरिकार्डियम है, ठीक है। क्या होती है, वो थिक होती है और इनइलास्टिक होती है, और इनर लेयर जो है वो डबल सीरस मेम्ब्रेन लेयर है। जो इनर लेयर है वो सीरस मेम्ब्रेन की डबल लेयर है, जिसके बारे में हमने कहा था कि आउटर लेयर जो होती है वो इसकी पैराइटल सीरस पेरिकार्डियम, और अंदर वाली जो होती है विसरल सीरस पेरिकार्डियम। और जो विसरल सीरस पेरिकार्डियम होती है आप उसको एपिकार्डियम का नाम भी देते हो, ठीक है, ये मैं बात बता चुका हूँ। तो विसरल, अगर आपको नहीं याद तो मैं दोबारा यहाँ बता दूँ कि हमने पढ़ा था कि आपकी आउटर लेयर होती है फाइब्रस पेरिकार्डियम, फिर होती है सीरस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम की दो लेयर्स हैं, पैराइटल वाली फाइब्रस के साथ चिपकी हुई है, और दूसरी होती है सीरस पेरिकार्डियम की विसरल लेयर। विसरल लेयर को आप एपिकार्डियम भी कहते हो, ठीक है, इसकी बात हमने कर ली। सो जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है उसके उसमें थिक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है, और ये क्या करता है, इट डिफाइन द बॉर्डर ऑफ मिडल मीडियास्टाइनम। अब मिडल मीडियास्टाइनम क्या है यार, आपने मीडियास्टाइनम की मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी ना, अगर मैं उस मीडियास्टाइनम पे जाएं, ठीक है, सो ये आपका है पूरा मीडियास्टाइनम। इस मीडियास्टाइनम को अगर मैं साइड से देखना चाहूँगा ना, ये मुझे साइड से कैसे नज़र आता है, ये मुझे ऐसा नज़र आता है साइड से। मैं इसको जूम इन करता हूँ, थोड़ा सा वेट करिएगा, लेट मी जूम इन। हाँ, तो ये अगर मैं इसको साइड से देख रहा हूँ तो मुझे इस तरह नज़र आएगा, बीच में मेरा दिल है, जो इस सबसे ये पूरी मीडियास्टाइनम है। मीडियास्टाइनम का सबसे ऊपर वाला पार्ट जो है ना उसको सुपीरियर मीडियास्टाइनम कहते हैं, ये बीच वाला पूरा पार्ट जो होता है ना इसको मिडल मीडियास्टाइनम कहते हैं, और नीचे वाले को पोस्टीरियर या इन्फीरियर कहते हैं। जो मिडल मीडियास्टाइनम है ना, इस मिडल मीडियास्टाइनम का कह रहे हैं जो मेन पार्ट होता है वो कौन बनाता है आपका, तो मेन पार्ट होता है, इट इज़ फॉर्म बाय द फाइब्रस पेरिकार्डियम। तो फाइब्रस पेरिकार्डियम जो है मिडल मीडियास्टाइनम का मेन पार्ट बनाता है, और सीरस पेरिकार्डियम जो है इट इज़ फिजिकली मच क्लोजर रिलेशन विद हार्ट। हार्ट के साथ आपकी विसरल, हार्ट के साथ जो आपकी सीरस पेरिकार्डियम है ना उसकी, लेकिन कौन सी लेयर, उसकी भी विसरल लेयर चिपकी हुई होती है। तो सीरस पेरिकार्डियम की जो विसरल लेयर है वो हार्ट के साथ क्लोजली एसोसिएटेड होती है, और कह रहे हैं बिटवीन इट्स टू लेयर्स, जो आपकी सीरस पेरिकार्डियम होती है ना जिसकी दो लेयर्स होती हैं, पैराइटल जो होती है वो फाइब्रस के साथ चिपकी हुई होती है, और जो विसरल होती है उसको आप एपिकार्डियम कहते हो। इन दो लेयर्स के दरमियान एक खाली जगह होती है जिसको आप पेरिकार्डियल कैविटी कहते हो। क्या कहते हो, पेरिकार्डियल कैविटी कहते हो। और ये पेरिकार्डियल कैविटी किसके दरमियान होती है, पेपर में पूछा जाता है। जो पेरिकार्डियल कैविटी होती है वो आपकी जो सीरस मेम्ब्रेन है ना, सीरस पेरिकार्डियम, उसके दो लेयर्स हैं, एक है पैराइटल वाली और एक है विसरल वाली। तो पैराइटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम और विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम के दरमियान ये कैविटी मौजूद होती है, जिसको आप इस क्या कहते हो, पेरिकार्डियल कैविटी कहते हो, ठीक है। और जो पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर कोई एक फ्लूइड मौजूद होता है जिसको आप पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हो। और पेरिकार्डियल फ्लूइड का फायदा क्या होता है कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको लुब्रिकेट करता है, उस ये जो दो मसल्स के लिए दो लेयर्स हैं, दो ये सीरस पेरिकार्डियम की जो दो लेयर्स हैं उनको लुब्रिकेट करके रखता है, ताकि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करे तो फ्रिक्शन से बचा जा सके, और इसके साथ साथ ये मैकेनिकली प्रोटेक्ट भी करता है। कह रहे हैं अगर हम पेरिकार्डियम की बात करें, ठीक है, ये इसके बेसिक फंक्शन थे। इसके अलावा अब हार्ट की वॉल की जो तीन लेयर्स हैं ना, एक होती है एपिकार्डियम। एपिकार्डियम को आप विसरल सीरस पेरिकार्डियम भी कहते हो, विसरल सीरस पेरिकार्डियम भी कहते हो। जो आउटर लेयर है ना वॉल ऑफ हार्ट की, एपिकार्डियम, एपी का मतलब होता है अबव, कार्डियम इन हार्ट, हार्ट के अबव जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है वो क्या है, हार्ट की वॉल की आउटर मोस्ट लेयर, दैट इज एपिकार्डियम, ठीक है। और इट इज़ फॉर्म बाय द विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम, इसकी बात हम कर चुके हैं कि पेरिकार्डियम, सीरस पेरिकार्डियम की जो विसरल लेयर है ना वो एपिकार्डियम बनाती है। मायोकार्डियम क्या होती है, मसल्स की लेयर होती है जो मिडल लेयर बनाती है हार्ट की वॉल की, ठीक है। और इसके अंदर एक्साइटेबल टिश्यू होते हैं, यानी कि कार्डिक मसल्स होते हैं और कंडक्टिव सिस्टम होता है, ताकि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, और हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कनेक्टिव सिस्टम क्या होता है। इसके साथ साथ एंडोकार्डियम होती है, सबसे इनर लेयर जो होती है हार्ट की वो एंडोकार्डियम होती है, और उसके यानी कि अब ये सबसे बाहर वाली एपिकार्डियम, देन आपकी मस्कुलर लेयर, और देन आपकी आ जाएगी एंडोकार्डियम। और एंडोकार्डियम के अंदर यहाँ पर एक पूरी कैविटी होती होगी, हार्ट की कैविटी, ठीक है। तो एंडोकार्डियम जो है ये सबसे लास्ट वाली लेयर होती है, ठीक है। इस एंडोकार्डियम के अंदर एक और सब एंडोकार्डियल लेयर भी होती है, कह रहे हैं रेस्ट ऑफ द हार्ट इज मेड अप ऑफ सब एंडो, सब एपिकार्डियल एंड सब एंडोकार्डियल लेयर। ये खैर कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, इसको छोड़ दें, बट एंडोकार्डियम जो है इनर मोस्ट लेयर होती है आपकी हार्ट की वॉल की। सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, हार्ट की वॉल की एपिकार्डियम, और हार्ट को क्लोज कौन कर रहा होता है, आपकी पेरिकार्डियम, ठीक है, हमने इसकी बात कर ली। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक जिसमें मैंने हार्ट की लेयर्स को डिफाइन किया है, और मैंने आपको बताया कि हार्ट की लेयर्स कैसी होती हैं और हार्ट की पोजीशन क्या है आपकी बॉडी में, ठीक है। मीडियास्टाइनम क्या है ये आपने याद रखना है। मैंने दरअसल ये बातें मिक्स की हैं फ्रॉम फेडरल, ठीक है। फेडरल का टॉपिक मैंने पूरी तरह से कवर कर दिया है, और आई गेस ये इसके साथ मैंने इस पूरी चीज़ को डिफाइन किया है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉपिक पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगली वीडियो में हम पूरे हार्ट जो है ना इसके स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ेंगे, कि इसके कितने चैम्बर होते हैं और कौन सी वेसल्स होती हैं। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।